यदा यदा धर्मस्य से ग्लार्भवती भारत कहने के जब 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 हो धर्म के हानि बाढ़ तब तब प्रधर विविध शरीरा हरे सुसंकट सज्जन पीरा तो भगवान जब जब अधर्म की हानि होती है जब जब राष्ट्र कष्ट में पड़ता है तो भगवान किसी न किसी जोगी के रूप में मोदी के रूप में आकर के बोल्डेजर के रूप में आकर के उस अधार्मिकों का नाश कर रहे हैं कि डिम्पल यादव को तो मुलायम सिंह से पूछना चाहिए कि बाबा जी का कलर ज्यादा गलत है कि आपने जो गोली चलवा के अयोध्या को रंग दिया था वो कलर है आप जिस अयोध्या में रक्त की नदियां बहा दिए उस अयोध्या में आकर माथा टेकते हैं शर्म आनी चाहिए डिम्पल जी को योगी आदित्यनाथ महाराज ने दीप उत्सव यहाँ कार्यक्रम चालू किया तो इन लोगों ने क्या कहा कि धर्म का पैसा यहाँ दीपोत्सव मतलब उड़ा रहे हैं और ये में लौंडिया नचा रहे हैं तो ये कहाँ का पैसा है ये बताइए नमस्कार मैं सुबित तिवारी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है पांचवे फेज के लिए इकसठ सीटों पे वोटिंग शुरू हो चुकी है आपको बता दें कि इस समय मैं अयोध्या में खड़ा हूं आपको बता दूं यहां पे कुछ साधु संत लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये वोट देने जा रहे हैं किन मुद्दों पर वोट देंगे क्या सोच के वोट देंगे और बाबा जी का कामकाज जो पांच साल का रहा है वो कैसा रहा है जय श्री राम बाबा जय श्री राम ये बताइए बाबा जी बताइए नाम क्या है महंत धर्मदास जी महाराज अच्छा जी ये बताइए आप वोट देने जा रहे हैं जी किन मुद्दे पर वोट देंगे क्या सोच के वोट देंगे और योगी जी का पांच साल कैसा रहा है धर्म के मुद्दे पर देंगे और विकास के मुद्दे पे देंगे हाँ। और यूपी में फिर से भगवान लहराएंगे हाँ। क्योंकि राम मंदिर यहाँ अयोध्या में बन रहा है फिर मथुरा में भी बनवाना है ऐसे व्यक्ति को देंगे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज को अच्छा जी अखिलेश भी भी तो तो है वो भी तो वादा अखिलेश यादव है उनको जो देने वाला होगा देगा हम लोग तो नहीं देंगे अच्छा बिल्कुल नहीं वो तो बोले जितने भी है हमारे साथ में अब उनके कहने से हो जाएंगे हाँ। सौ में अस्सी साधु जो है अयोध्या में सौ में अस्सी देंगे योगी आदित्यनाथ महाराज को जी अखिलेश को नहीं देंगे अखिलेश को जो देने वाला होगा वो देगा उन्होंने कौन काम किया है अच्छा बताइए धर्म के प्रति धर्म के प्रति कोई काम नहीं किए तो हम भी तो हिंदू है हम भी धर्म में बाउंड्री करवाए और मस्जिद बनवाए हैं हाँ। और भाजपा सरकार सबका साथ और सबका विकास अच्छा। और सबका विश्वास हाँ। किसी के संग कोई दुर्व्यवहार नहीं।, नहीं है अच्छा। सबके सामान्य व्यवहार है जी दस मार्च को तो बाबा जी गायब हो जाएंगे बाबा जी नहीं गायब हो जाएंगे वो खुद गायब हो जाएंगे अच्छा। हाँ आप लोग क्या पसंद है बुलडोजर पसंद है या फिर साइकिल अरे बुलडोजर साइकिल नहीं बुल्डोजर बिल्कुल नहीं ना जी

तो, आ, मतलब सारी सुविधा आपको मिल रही है इसलिए वोट देंगे जी नहीं उन्होंने अच्छा काम किया है हाँ। हर आदमी के लिए अच्छा काम किया है इसलिए उनको हम वोट हाँ। देंगे विकास हुआ है कि नहीं अयोध्या तो? बिल्कुल बिल्कुल विकास हुआ है हाँ। पाँच साल में कितना बद, बदला है अयोध्या अरे बहुत बदल गया हाँ, अच्छा। हाँ। बहुत बदला है महिला की सुरक्षा की बात तो महिला की सुरक्षा कैसा है बहुत अच्छा है पहले की बात करे तो पहले तो बहुत खराब था आए दिन हाँ आए दिन कुछ न कुछ होता रहता था अब ऐसा कुछ नहीं सुनाई दे रहा जब से योगी वो दी आए हैं अखिलेश यादव दो दिन पहले यहाँ पे आए थे बोल रहे हैं सारी महिलाएं सारे बाबा साधु संत सब हमारे साथ में हमें। उनको कहने दीजिए वो बेकूफ़ी करते हैं हाँ, हाँ। उनको कहने दीजिए उनकी बात कोई नहीं मानेगा हाँ क्यों नहीं मानेंगे ऐसा वो ऐसा काम किए हैं हाँ उनके आने से क्या हम लोग को सुविधा मिला क्या नहीं मिला था कुछ नहीं मिला हम लोग को सुविधा हाँ। जी भी सब काम काम हुआ था था तो मैं ही किया था। बाबा जी का नहीं था। नहीं योगी जी ने मोदी जी ने किया है हमारी हाँ। हाँ। जानकारी में यही है हाँ जो उन... हमने उन्होंने क्या किया है हाँ। जब आए तो देखिए वो तुड़वाए इतने आदमी मर गए उनके शासन में क्या हुआ हमारे बहनों माता भाइयों सब ऐसे जो है कितने आदमी खत्म हुए जिसके एक जिसका जिसके पास एक लड़का था वो भी जो है वो भी जो है हो गए अच्छा। उनके तुड़वाने में हम उनका साथ कभी नहीं देंगे मेरा अयोध्या कभी साथ नहीं देगा उनका कभी, साथ नहीं, नहीं।, कभी नहीं।, नहीं देंगे हाँ।, हाँ हम आग मुझ के वोट डालेंगे बस यही पे भाजपा पे हाँ चाहे हमारा भाजपा निकले या न निकले देंगे उन्हीं पे जैसे बता रहे हैं निकले या न निकले लेकिन हम देंगे उन्हीं पे हाँ आग मुझ के देंगे हमारे भाई बहनों सब देंगे बाबा जी देंगे हर आदमी देगा साइकिल बिल्कुल नहीं चाहिए साइकिल पंचर हो जाए टूट जाए मुझे नहीं चाहिए हाँ। आदमी की हमारे अयोध्या में जरूरत नहीं है।, नहीं है नहीं जरूरत बिल्कुल नहीं, नहीं। यूपी में। जरूरत नहीं की महिलाएं बहुत परेशान चल रही है इतनी महंगाई बढ़ा दी कोई नहीं परेशान है कोई परेशान है कोई महिलाएं परेशान है महिलाएं बहुत खुश हैं बहुत खुश बहुत खुश हैं अच्छा। हाँ हमारी महिलाएं हाँ, हाँ, हमारे भाई हमारे बाबा जी हर आदमी खुश है हाँ, हाँ, तो ये कहने, को, उनको कहने दीजिए ना हाँ उनके कहने से हम लोग नहीं मानते हैं गायब गायब हो जाएंगे अरे नहीं गायब, उनके भड़काने आ, आ, से मेरे भाई बहनों कोई गायब गायब नहीं होगा वो हो जाए चाहे मेरे लेकिन ये लोग नहीं गायब होंगे हाँ आपका भरोसा बाबा पे बिल्कुल भरोसा है साफ पूरे अयोध्या को भरोसा है बिल्कुल जीतेंगे हाँ जीतेंगे वही हाँ योगी आएंगे और कोई नहीं आएगा जो तो कोई नहीं आएगा अच्छा जय श्री राम जय श्री राम आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयोध्या दास शास्त्री है अच्छा, हाँ। मैं खाक चौक आ, श्री पंच तेरा भाई त्यागी हमारी संस्था है बहुत बड़ी अच्छा, है। जी। जी। आप वोट डाल के आ रहे हैं जी जी दिखा दीजिए दिखा दीजिए जी बहुत बढ़िया आपने वोट डाला बहुत अच्छी बात है अच्छा ये बताइए आप जब वोट डाल के आ रहे हैं किन मुद्दों पे वोट डाला देखिए हम राष्ट्र मुर्दा पे वोट डाले हैं जो हमारे राष्ट्र का जो हमारी संस्कृति का जो हमारे, हमारे भारतीय मर्यादा जो अध्यक्ष की मर्यादा का जो देखिए एक युग था कि जो एक बेजोद्या किसी भी पार्टी का यहां आने में महसूस करता था, था उसको लगता अयोध्या जाना ठीक नहीं है लेकिन आज जो विरोध कर रहे थे वो सब भगवान के दरबार में आकर माथा टेक रहे क्या भगवान तो पहले भी थे आज ऐसा अच्छा। तो नहीं कि आज ही भगवान है अखिलेश जी हनुमान जी का क्या करने गए जी आप तो आप जो कहते हैं कि योगी जी का रंग जो है वो लाल हो गया है जंग लग गया है पूरी अयोध्या को आपने लाल कर दिया उस समय कहाँ थे सप्पा का ही तो देना है मुलायम सिंह के समय में गोली चली उस समय तो आपने वो तो कपड़े की केवल बात करते हो तो आपने तो पूरी अयोध्या को लाल कर दिया है वो अयोध्या वाले कभी भूलेंगे नहीं उस दृश्य को इसलिए चाहे झंडा लगा लीजिए पताका लगा लीजिए रोड कर लिए लेकिन करने के बाद भी अयोध्या वाले समझते हैं कि हमको वोट देना है इसमें कोई संशय नहीं, नहीं है यो, जी जी यहाँ पे अखिलेश दो दो, दिन पहले आए थे वो हनुमानगढ़ी में माथा भी टेका। आप पहली बार आए डर के डर के तो टेकेंगे ही क्योंकि इन लोग का जीवन जो है बिल्कुल कलंकित रहा है कभी हमारे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा न करके केवल एक पक्ष को बढ़ावा दिया इन लोगों ने कौन से पक्ष को अरे आप सब जानते हैं आप, जानते, आप भी जानते हैं अरे तो हम लोग अयोध्या में भी हैं जानते हैं पूरा राष्ट्र जानता है छोटा सा भी मुद्दा होता है उसको जो है पक्ष विपक्ष हिंदू मुसलमान में बांट करके अपनी राजनीति को जो है पक्की करने का एक उद्देश्य इनके दृष्टिकोण में है राष्ट्र को जोड़ने का उद्देश्य होना चाहिए पब्लिक को जोड़ने का उद्देश्य होना चाहिए राजा का काम है सभी को जोड़ने का न कि तोड़ने का इन लोगों का सिद्धांत है तोड़ना योगी जी तोड़ते हैं धर्म नहीं योगी जी नहीं तोड़ते योगी जी सबका विकास चाहते हैं अच्छा। कहीं नहीं तोड़े हैं लेकिन जो मर्यादा के खिलाफ जो अपने राष्ट्रीय आप बताइए आप जिस खाते हैं जहाँ पे जिस घर में रहते हैं उस परिवार को आप तोड़ना चाहेंगे नहीं चाहेंगे उसी प्रकार जो राष्ट्र को जोड़ने का काम योगी जी कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं योगी जी ने कभी भी तोड़ने का किसी के लिए काम नहीं किया अब उनको लगता है कि उनको तोड़ रहे हैं कि सही बात बहुत बुरी लगती है सही बात अच्छी किसी को लगती नहीं है जब सही बात बोलिएगा तो बुरा ही लगेगा लोगों को अच्छा ये हो रहा। एक बाबा जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक बाबा जी आप भी हैं ये बताइए बाबा को तो बुलडोजर पसंद है योगी जी को बुलडोजर पसंद है आपको क्या पसंद है? देखिए बुलडोजर क्यों पसंद है हमारे यहाँ कहा गया है कि धर्म से ग्ला भारत कहने के जब 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 हो धर्म के हानि बाढ़ तब तब विविध शरीरा हर सुसंकट सज्जन पीरा तो भगवान जब जब अधर्म की हानि होती है जब जब राष्ट्र कष्ट में पड़ता है तो भगवान किसी ने किसी जोगी के रूप में मोदी के रूप में आकर के जैसे परमात्मा प्रहलाद के रूप में आकर के प्रकट किया उसी प्रकार से जोगी मोदी बोलडेजर के रूप में आकर के उस अधार्मिकों का नाश कर रहे हैं बुलडोजर सरकार नहीं। सरकार नहीं। जी आपकी बार बुलडोजर सरकार साइकिल अच्छा। सरकार अच्छा। ना ना वो सब बेकार देकार, देकार, अच्छा। वोट दिया कि नहीं आपने क्यों नहीं एकदम भगवत जन पार्टी को वोट दे के आ रहे हैं पार्टी भगवत जन पार्टी कौन सी पार्टी भगवान की पार्टी भाजपा हाँ। नहीं ना ना सनातन धर्म को मिटाने का संकल्प लेके बैठे हैं सब सपा अन्य पार्टियां बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो सब सनातन धर्म को समूल नष्ट करने का ध्येय अच्छा। लेके बैठी हुई है बीजेपी ने क्या कर दिया सिर्फ बीजेपी राम मंदिर 500 साल का कलंक धो दिया अच्छा, हाँ तो तो ने धो दिया, दिया। बाबा नहीं होता दीपावली मचाते कोर्ट तो थी पांच सौ साल से कोर्ट कचहरी और युद्ध यही रक्त रंजित भूमि में ज्वाला जला दिए हिंदुओं के हृदय में सनातन धर्म को एक नई ऊंचाई पे अच्छा। नहीं तो अयोध्या सबसे उपेक्षित हम सब बाहर जाते थे लोग पूछते थे कहाँ है।, अच्छा है हाँ अच्छा अखिलेश तो बोल रहे हैं कि एक साल के बाद ही मंदिर बनवा मंदिर भगवान कृष्ण का बनवाए हाँ। तो बनवा दे शुरू से राज करते तो वही आए इतने दिन मंदिर नहीं था अब मंदिर बनवा देंगे ये बताइए योगी आदित्यनाथ महाराज ने दीप उत्सव यहाँ कार्यक्रम चालू किया आ, तो इन लोगों ने क्या कहा कि धर्म का पैसा यहाँ दीप उत्सव दी, मतलब उड़ा रहे हैं आ, और ये सेफई में लौंडिया नचा रहे हैं तो ये कहाँ का पैसा है ये बताइए अरे धर्म के नाम पे उन्होंने किया बाप बाप के लिए विदेशी बग्घी मंगवा रहे हैं अपनी तो लौंडिया नचवा रहे है युवाओं का मांग अरे युवाओं का मांग कैसे था कि जो है लौंडिया बिगाड़ो उनको उस समय युवा नौकरी नहीं मांग रहे थे उस समय युवा यही मांग रहे थे युवाओं को दोष दे रहे हैं बाप अभी युवाओं के कंधे पर गोली चला रहे हैं मंदिर का जो चंदा आ रहा है उसमें भाजपा चोरी कर रही है युवा सब समझदार हैं सब जानते हैं उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित है राष्ट्र का भविष्य कहाँ सुरक्षित है वह सब पढ़े लिखे हैं आजकल 4G, 5G का जमाना है अब यह मानसिकता टूट गई कि कोई बिरादरी बात पर वोट देगा या कोई ये इन सब बात पर बिल्कुल वोटिंग नहीं हो रही है सब खुले विकास खुले मुद्दे पर वोट दे रहे हैं विकास का मुद्दा है और सब जन जन का विकास किसी व्यक्तिगत विकास नहीं इसलिए बुलडोजर सरकार नाम बता दीजिए महंत तुलसीदास खाग चौक जा रहे वोट बिल्कुल वोट देने जा रहे, रहे मुद्दों पर वोट दे के भी बता सारे मुद्दे खुले हैं मुद्दे हमको बताने की जरूरत नहीं मुद्दे सामने हैं हाँ। किस मुद्दे पर आप चाहते हैं आप क्या चाहते हैं हाँ। किस मुद्दे पर वोट करें हाँ आप बताइए तो आपसे बात करें नहीं आप बताइए आप किस मुद्दे पर मन लेने लेने हम तो अपना मुद्दा बता चुके हैं सारा पूरी जनता का मुद्दा है खुला मुद्दा है वोटिंग का तो मार्च को क्या होने वाला है बिल्कुल एकदम बुलडोजर सरकार योगी जी बिल्कुल आएंगे और देखिए आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं यूपी जैसे राज्य में बुलडोजर की ही जरूरत है अच्छा। समझ रहे साइकिल का काम नहीं है जी ये तो बताने की जरूरत नहीं है पिछला इतिहास इसका कायम है क्यों बुलडोजर की जरूरत है जी यू बाबा है अखिलेश यादव योगी जी को बार बार बाबा के नाम से बुलाते हैं बोलते बाबा जी कुछ काम नहीं किए खाली बस धुआं उड़ाते हैं अच्छा तो वो कौन सा काम कर दिए वो कौन सा काम कर दीजिए बताइए वो कौन सा क्या कर दिए कोई विशेष बताइए बताइए हमको चली। योगी जी मोदी जी जी सड़क पे उतर रहे वो सड़क हमने तो कि सड़क बना रहेंगे उसी को पूरा इतिहास गाते रहेंगे का बस एक इकट्ठो सड़क बनवाएंगे बस उसी को बात गाते रहेंगे और कुछ गाएंगे कि नहीं बस सड़क भर से काम होगा बताइए आप सुरक्षित नहीं है पहले पहले कितनी महिलाएं सुरक्षित थी आप जितनी सुरक्षित हैं सब जानते हैं इसलिए भाजपा को ही वोट सरकार दे भाजपा को ही सब देंगे और मुख्यमंत्री मुख्य ही सरकार बनेगी योगी आदित्यनाथ जो है फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर से सरकार बनेगी आप सब बाबा हैं अखिलेश यादव भी आपके बेटे के समान है आपको भी तो आशीर्वाद देना चाहिए देखिये उनको आशीर्वाद देने का कारण कार्य एकदम कलंकित कार्य है उनका अयोध्या जी में तो बिल्कुल उम्मीद ना करें हाँ आशीर्वाद किस बात का ये बताऊँ चेला, चेला है ए चेला है देखिए सुन लीजिए मेरी बात राम जो कार सेवक आए थे इतने लोगों को मरवा दिए और आप कह रहे हो आशीर्वाद ये हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान है राम जी का मंदिर है सारे ग्रंथ गवाह हैं उनके और उन पे गोली चलवा दिए मंदिर नहीं बना और आशीर्वाद की बात करते हो आप अच्छा। किस बात का आशीर्वाद आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाया तो क्या पहले आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं था क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं था ये कहते हैं कि लोग कहते हैं केंद्र में और राज्य में सरकार थी इसलिए बनवाया तो क्या कांग्रेस का और सपा को समर्थन नहीं था केंद्र में वो थे यहाँ राज्य में थे क्यों नहीं बनवाए मंदिर सुप्रीम कोर्ट उनकी थी क्यों नहीं बनवाए अभी क्यों बना ये कभी मंदिर नहीं बनाते ये सब साधु संतों के हत्यारे हैं ये कभी नहीं जन्मा हाँ अगर अगर ये कलंक धोना चाहते हैं अपने हिंदुत्व होने का जो है ये सबूत देना चाहते हैं तो कृष्ण मंदिर का ऑप्शन खुला हुआ है उस पर पहल करें आगे बढ़ें यदुवंशी है बनवाने में भगवान कृष्ण का मंदिर साथ हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल अवश्य देखेंगे विचार करेंगे उस पर पहले आगे तो बढ़े कुछ करें के साथ अच्छा, हम तो भगवान के साथ भगवान के दास हैं सेवक हैं जो भगवान के साथ है धर्म के साथ है हम उसके साथ अच्छा, हैं धर्मोरक्षति रक्षित है किसी भी किसी भी देश का राष्ट्र का संस्कृति सुरक्षित है धर्म सुरक्षित है वो राष्ट्र सुरक्षित है संस्कृति विहीन राष्ट्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती संभव ही नहीं है लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मंदिर बनाने से तो लोगों को रोजगार थोड़ी मिलेगा रोजगार पैदा करना चाहिए। वो तो यहाँ हमें अयोध्या में अयोध्या वासी से पूछे मंदिर बनने से किनको क्या फायदा हुआ समझ रहे यहाँ मुसलमानों को भी दुकान हुई उनसे पूछे कितना फायदा हुआ ऑटो रिक्शा चलाने वाले से पूछिए होटल वालों से पूछिए क्या फायदा हुआ जो भोजन के दुकान लगाते होटल खोलते उनसे पूछे क्या फायदा हुआ पहले दस लोग आते थे अब एक हजार आते हैं अभी एक लाख लोग आएंगे रोज तो यहाँ जब आएंगे तो हर चीज का रोजगार मिलेगा की नहीं मिलेगा रोजगार का रूप क्या समझते हैं आप अच्छा, हाँ। रोजगार देखिए हाँ। इस अयोध्या में चाहे किसी का एसी बिगड़े आ, कूलर बिगड़े हाँ। गैस बिगड़े कुछ हाँ। भी तमाम मुसलमान घूमते आते हैं अच्छा, वो भी काम करते हैं हाँ। मिस्त्री का, का काम करते हैं मकान का, का काम करते हैं हाँ। राम मंदिर बन रहा है तो इसमें जितना लेबर है उनको काम जिनको मिल रहा हो तो रोजगार ही मिल रहा है रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी थोड़े होता है रोजगार का मतलब जो भी कार्य मिले लोग पब्लिक को काम मिले तो नाना प्रकार के यहाँ काम हो रहे हैं देखिए छड़ से सीमेंट से बालू से रेत से ये सब लोग बेच रहे हैं अयोध्या वाले तो इनको रोजगार ही तो मिल रहा है भगवा कलर पहने हैं डिम्पल यादव जो है अखिलेश यादव की धर्म पत्नी वो बोल रही है जो बाबा जी का कलर है कपड़े का कलर है वो जंग से लगा हुआ कलर ऐसा है कि डिम्पल यादव को तो मुलायम सिंह से पूछना चाहिए कि बाबा जी का कलर ज्यादा गलत है कि आपने जो गोली अयोध्या को रंग दिया था वो कलर है आप जिस अयोध्या में रक्त की नदियाँ बहा दिए उस अयोध्या में आकर माथा टेकते हैं शर्म आनी चाहिए डिम्पल जी को ये बोलते हुए कि हम क्या बोल रहे हैं अगर इतना ही ख्याल होता तो आज इनकी दुर्दशी दुर्दशा नहीं होता पूरे पूरे परिवार में महाभारत हो गया आप नहीं देखे पिछली बार तो फिर क्यों हुआ अच्छा आप लोग खड़े आऊंगा यहाँ पे आइए क्या नाम है आपका मेरा नाम है विष्णुदास मैं अखिल भारतीय श्री अच्छा, हैं जी दीजिए उंगली अच्छा ये बताइए किन मुद्दे वोट दिया आपने मैं समाज हित के लिए और जो हमारी यूपी है जनता है वो यही चाहती है कि बीजेपी ना, सरकार ना, में ही रामराज है और किसी सरकार में रामराज नहीं है और सब साधु संत समाज यही चाहती है की बीजेपी सरकार ही आएगी दस मार्च को और कोई नहीं आ सकता है और सभी देशवासियों को यही हम कहना चाहते हैं सभी जनता से कि अखिलेश यादव यूपी में नहीं आएंगे और सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कमल को वोट दे और योगी बाबा को जिताए प्रदेश में यही हम चाहते हैं। अखिलेश क्यों नहीं आना चाहिए अखिलेश इसलिए नहीं आना चाहिए महात्मा पे गोली चलवाया